गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो डेटा टाइप पे चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल डेटा टाइप पढ़ा, ड्राइव डेटा टाइप में एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस वेरिएबल किए। आज हमारा क्या है, स्ट्रक्चर। अब पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर का, हम यूज क्यों करते हैं, स्ट्रक्चर की क्या एप्लीकेशन है। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हम स्ट्रक्चर का यूज क्यों करते हैं। देखो, सबसे पहले हम वेरिएबल लेते थे। वेरिएबल क्या काम करता है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर करता है। पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। अब वो वेरिएबल के बस की बात नहीं, वेरिएबल तो एक टाइम पे केवल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। फिर आपका नया कंसेप्ट आया, कौन सा, एरे। एरे के थ्रू आप एक ही सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो सेम टाइप की। अब यहां पर कंसेप्ट क्या हो गया, सेम टाइप की। एक ही वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो पर सेम टाइप की। अगर आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करानी हो तो क्या करेंगे, अगर एक ही वेरिएबल में आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आएगा, तो स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो और मल्टीपल डेटा टाइप की, इसलिए स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप रेफरेंस अंडर वन नेम प्रोवाइडिंग ऑफ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कीपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टूगेदर। स्ट्रक्चर क्या है, ये कलेक्शन है किसका, वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू आपकी बहुत सारी वैल्यू स्टोर हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, एक ही नाम से स्टोर हो सकती है। इसका मतलब क्या है, आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप स्टोर करा सकते हो। जैसे स्टूडेंट से आपने स्ट्रक्चर बनाया, स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हो। देखो, अब बात आती है हाउ टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक हमारा स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है, इस स्ट्रक्ट कीवर्ड के द्वारा हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं। देखो, स्टूडेंट का क्या होता है, रोल नंबर होता है, स्टूडेंट का नेम होता है, स्टूडेंट के मार्क्स होता है, स्टूडेंट की एज होती है, स्टूडेंट का आप एड्रेस होता है, कोई भी स्टूडेंट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन आप इस स्ट्रक्चर में क्रिएट करा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप देखो स्टूडेंट की अलग अलग टाइप, देखो रोल नंबर आपका किस में होगा, इंटीजर में, मार्क्स आपके फ्लोट में, नेम आपका स्ट्रिंग में। देखो ये अलग अलग है, एक स्टूडेंट वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर है, एक तो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, एक किस टाइप की आपकी रियल वैल्यू है, एक किस टाइप की आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है। देखो अलग अलग टाइप की वैल्यू होगी, ये काम एरे नहीं कर सकता। एरे में तो क्या होंगी, वैल्यू क्या होंगी, सेम। अगर आपने एरे इंटीजर से बना दिया तो उसमें इंटीजर ही वैल्यू स्टोर करा सकते हो। अगर एरे आपने फ्लोट से बना दिया तो फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हो। अगर एरे आपने किसी भी टाइप से स्टोर करा दिया उसी टाइप की आप वैल्यू स्टोर करा सकते हो। पर स्टूडेंट में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हो। देखो इसमें डिफरेंट टाइप की है, एक वैल्यू इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक आपकी स्ट्रिंग है, अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हो आप सिंगल वेरिएबल में, किसके थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू। अब स्ट्रक्चर के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, स्ट्रक्ट। अब इसको हाउ टू डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर, कैसे आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट का नेम, कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बुक है तो बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब आपने, हमने एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन यहां स्टोर होंगी, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। यहां पर आपको स्ट्रक्चर का नेम देना है, ये यहां पर आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, ये यहां पर आपका स्ट्रक्चर फिनिश हो गया। देखो इसके ये क्या है, ये तीनों क्या है, स्ट्रक्चर के एलिमेंट हैं। ये स्ट्रक्चर के क्या है, आपके एलिमेंट है, जैसे रोल नंबर, मार्क्स, नेम, ये स्ट्रक्चर के एलिमेंट है। अब रोल नंबर की टाइप है इंटीजर, मार्क्स की है फ्लोट। अब बात, और नेम कैसा है, ये एरे ऑफ करेक्टर हो गया। एरे ऑफ करेक्टर क्या होता है, आपका स्ट्रिंग होता है। तो इसमें तीन आपकी टाइप है अलग अलग की, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कैर है।
इस तरह आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, पहले स्ट्रक्ट लिखेंगे कीवर्ड, फिर स्ट्रक्चर का नेम, कोई भी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। यहां पर आपने स्ट्रक्चर बंद कर दिया। अब इन एलिमेंट में कोई वैल्यू एक्सेस करानी है, कोई वैल्यू स्टोर करानी है, तो वो कैसे स्टोर कराएंगे? सब इससे पहले आप क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। आपने डिक्लेयर कैसे किया, जो स्ट्रक्चर आप जिस नाम से आपने बनाया था, सपोज करो आपने स्टूडेंट नाम से बनाया था, तो स्टूडेंट आपने s1 ये क्या है, ये s1 इज ए वेरिएबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। s1 क्या है, आपका वेरिएबल है, किस टाइप का, स्ट्रक्चर। यही s1 वेरिएबल इस स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, इसके पास ही परमिशन है। आप डायरेक्ट रोल नंबर में वैल्यू नहीं दे सकते। अगर आपको रोल नंबर में, मार्क्स में, नेम में कोई भी वैल्यू देनी है तो विद द हेल्प ऑफ s1 वेरिएबल की हेल्प से ही वैल्यू आप क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, द एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर आर रेफर्ड टू एज फॉलो। देखो अगर वैल्यू एक्सेस करनी है, अगर वैल्यू, देखो रोल नंबर में कोई वैल्यू एक्सेस करानी है तो डायरेक्ट आप रोल नंबर नहीं लिखेंगे, s1। देखो ये s1 क्या है, ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, पहले s1, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर एलिमेंट का नेम रोल नंबर 101, s1 डॉट नेम, कोई भी आपने नेम दे दिया xyz, जैसे आपने पवन कुमार नेम दे दिया, s1 डॉट मार्क्स 99.5। तो कोई भी अगर आपको इसमें, इन एलिमेंट्स में वैल्यू अगर आपको स्टोर करानी है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल और विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट कराएंगे, जैसे सी आउट, अगर आपको रोल नंबर प्रिंट कराना है तो s1 डॉट रोल नंबर, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 101 आ जाएगा। ऐसे आप क्या कराओगे, प्रिंट कराओगे। इनपुट कराना है, मान लो आपको इनपुट कराने मार्क्स, तो आप कैसे इनपुट कराओगे, सीन। इनपुट कराने के लिए किसका यूज करते हैं, सीन का, सीन ऑब्जेक्ट का, s1 डॉट मार्क्स। ऐसे आप क्या कराओगे, इनपुट कराओगे। ये आपने कंपाइल टाइम पे ही वैल्यू असाइन कर दी, 101 पवन कुमार 99.5। इस तरह वैल्यू आप असाइन करा सकते हो, रन टाइम पे कराना है तो इस तरह आप इनपुट करा सकते हो, ये आप प्रिंट करा सकते हो। आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, स्ट्रक्चर से पहले कौन सा कंसेप्ट था, स्ट्रक्चर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, स्ट्रक्चर में कैसे काम करते हैं, और हम डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रक्चर। जब भी आपका स्ट्रक्चर का टॉपिक आएगा वहां पर आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग हम आपको ये क्लियर कराएंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा, आपका यूनियन। अब बात करते हैं व्हाट इज यूनियन, यूनियन क्या होता है। देखो स्ट्रक्चर और यूनियन सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, मेमोरी लोकेशन का एक ही डिफरेंस होता है उसमें, इसका मेमोरी लोकेशन का ही डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर जैसे आपका स्ट्रक्चर काम करता है वैसे ही आपका यूनियन काम करता है, बस उनमें एक ही डिफरेंस है मेमोरी लोकेशन का। जो यूनियन होता है वो शेयरेबल मेमोरी रखता है, स्ट्रक्चर क्या करता है हर एक वेरिएबल की, हर एक एलिमेंट की अलग अलग मेमोरी एलोकेट कराता है। एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी यूनियन। ए यूनियन इज ए मेमोरी लोकेशन दैट इज शेयर बाय टू और मोर डिफरेंट वेरिएबल। यूनियन क्या है, एक मेमोरी लोकेशन शेयर, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक यूनियन बनाया शेयर नाम से, इसमें दो वेरिएबल लिए, एक तो इंटीजर टाइप का, एक आपका करेक्टर टाइप का। देखो सेम है, यहां बस स्ट्रक्ट की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, बाकी सिंटेक्स आपका सेम है। वैसे ही तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे शेयर s1, वैसे ही आप एक्सेस करोगे जैसे आप स्ट्रक्चर में करते आए हो। बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, स्ट्रक्चर इज ए शेयरेबल मेमोरी लोकेशन एंड सॉरी यूनियन इज ए शेयरेबल मेमोरी लोकेशन एंड स्ट्रक्चर इज ए आइडेंटिकल मेमोरी लोकेशन। देखो स्ट्रक्चर तो क्या करता है, हर वेरिएबल के लिए अलग मेमोरी एलोकेट कराता है, और यूनियन क्या करता है हर एक के लिए शेयर, एक ही मेमोरी बनाता है, उसको हर वेरिएबल शेयर करते हैं। जैसे देखो भाई यहां पर दो वेरिएबल लिए, एक तो int i एक char c, इनकी एक ही मेमोरी बना दी,
इसको ये आई वेरिएबल भी यूज कर सकता है, इसको सी वेरिएबल, सी जो आपका करेक्टर टाइप का है, कैल 1 बाइट लेता है, इंट आपका 2 बाइट मेमोरी लेता है, तो दोनों ही वेरिएबल इस मेमोरी को शेयर कर सकते हैं। कहने के लिए अगर यही यही प्रोग्राम आपका स्ट्रक्चर के थ्रू करें तो आपकी कितनी बाइट खर्च होगी, 3 बाइट, और यही प्रोग्राम अगर आप यूनियन से करते हैं तो आपकी कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, 2 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। देयर इज ओनली वन डिफरेंस, यही एक आपका क्या है, डिफरेंस है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है यूनियन और स्ट्रक्चर के अंदर। देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, मेमोरी लोकेशन। यूनियन तो क्या करता है, शेयरेबल मेमोरी एक्सेस करता है, और जो स्ट्रक्चर होता है वो आइडेंटिकल मेमोरी, हर एक वेरिएबल की अलग मेमोरी। अगर इस केस में अगर आपका स्ट्रक्चर होता तो इसके लिए अलग मेमोरी एलोकेट करता, इसके लिए अलग मेमोरी, और यूनियन क्या करता है, एक ही मेमोरी करेगा। मतलब जो मैक्सिमम मेमोरी है, मैक्सिमम मेमोरी यहां पर कितनी है, 2 बाइट, 2 बाइट मेमोरी एलोकेट करा लेगा, और उसको इंटीजर वाला वेरिएबल भी एक्सेस करेगा। देखो ये भी वेरिएबल एक्सेस कर रहा है और करेक्टर वाला भी एक्सेस करेगा। यही एक डिफरेंस है स्ट्रक्चर एंड यूनियन में। आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे क्लास, एनमरेशन और भी आपके जो टॉपिक है, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राइव डाटा टाइप कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।